So, hello everyone, this is Ritam Shastri, BBS final year student from GSVM Medical College Kanpur. So guys, UP NEET की mop-up merit list आ गई है और जैसा हम लोग expect कर रहे थे, कुछ वैसी ही disheartening रही है mop-up merit list. जो मैंने analysis किया, मैंने आपको बताया था कि last year 53 ऐसे बच्चे थे जो round one round की cut-off गई थी, उसके अंदर 53 ऐसे बच्चे थे जो एक तरीके से देखा जाए जिनको round one round में मिल जाता, बट वो लोग डायरेक्टली mop-up में आए. इस बार पता है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन लोग की 20,930 रैंक से कम थी. मतलब अगर वो लोग पार्टिसिपेट करते राउंड वन या राउंड टू में तो उनको कॉलेज मिल जाता, बट वो लोग डायरेक्ट मॉपअप में आने का सोचे हैं. ऐसे एक दो नहीं, 141 कैंडिडेट्स हैं. अब समझ में आ रहा है सीरियस कंसर्न क्यों था मेरा, कि तुम लोग जो आखिरी तक वेट करते रहते हो, तुम लोग सोचोगे यार बहुत बढ़िया कॉलेज हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अब शायद आपको पता चल गया होगा क्यों मैं मना कर रहा था और क्यों आपके जो ये पेड काउंसलर आपसे पैसा ले लेके आपको जो आखिरी तक रुकाने लगे हैं मॉपअप में, कि नहीं भाई आप मॉपअप में डायरेक्ट जाओ, तुमको 12,000 पे जीएसवीएम जलाएंगे, 15,000 पे जीएसवीएम जलाएंगे, ले लो भाई अब आप कॉलेज. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप अपना भी लॉस करो, साथ ही साथ जो बेचारे नीचे बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला उनके साथ भी लॉस कर रहा हो. साथ ही साथ मॉपअप मेरिट लिस्ट में अगर आप रैंक वन देखोगे तो भाई वो बंदे के पास डीयू कोटा भी है. उसने फर्स्ट राउंड से ऑल इंडिया कोटा से उसने क्या नाम है यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज उठाया था. डीयू कोटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा है, उसके पास यूपी का भी स्टेट कोटा होगा और उसने गलती से बीडीएस अलॉट करवा लिया मौलाना आजाद से राउंड थ्री में. पता नहीं क्या सोच के, मतलब लाइक कैसे काउंसलिंग करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता. अब वो स्टेट में आ गया यूपी में ताकि वो केजीएमसी ले पाए. तो भाई मेरे को कंसर्न नहीं समझ में आ रहा आखिर ये सब बच्चों को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है. ऐसे बच्चों को तो स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए यार, दोज हु आर ब्लॉकिंग द सीट्स. फाइनली ब्लॉक देखो पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था, लाख आप लिख दो, कुछ भी लिख दो कि ऑल इंडिया कोटा अलॉटेड कैंडिडेट्स को नहीं आने देंगे, बट देख लो मेरिट लिस्ट में उठा के देख लो, भरे पड़े हैं, लिटरली भरे पड़े हैं कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा वाले जिन लोग राउंड थ्री से कॉलेज मिला. लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया कोटा मॉपअप से अलॉट करवा के बच्चे स्टेट मॉपअप में आए थे. तो वही सिनेरियो एक बार और रिपीट हो रहा है. खैर चलो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रह सकते. तो लास्ट ईयर मैं आपको सिनेरियो बता दूं, टोटल 139 सीट्स आई थी. जनरल कैटेगरी में 52 सीट्स आई थी, ओबीसी में 21 सीट्स आई थी, ईडब्ल्यूएस में 9 सीट्स आई थी, एससी में 52 सीट्स आई थी और एसटी में 5 सीट आई थी. ठीक है, तो बहुत लोग बोले थे कि पिछले बार भैया 3000 रैंक ओवरऑल, मतलब ऑल इंडिया रैंक 3000 रैंक नीचे चला गया था, क्योंकि भाई सिर्फ 53 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको राउंड वन राउंड टू से कॉलेज मिल जाता और वो मॉपअप में आए. इस बार 141 ऐसे कैंडिडेट हैं. तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या कट ऑफ कितना नीचे जाने वाली है. ठीक है, खैर ये आपको आइडिया लग गया. राउंड टू के बाद जो अनअलॉटेड सीट थी वो टोटल 55 बची हुई थी, जिसमें जनरल की 6 सीट थी, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट थी, एससी की 40 सीट थी और एसटी की 5 सीट थी. ठीक है, ये राउंड टू के बाद इतनी सीट बची हुई थी. बाकी जो अभी बच्चे छोड़ेंगे सीट, रिजाइन करेंगे, जो ऑल इंडिया कोटा राउंड थ्री के कॉलेजेस लेंगे, ऊपर के बच्चे जिनको एम्स मिल गया होगा या जिनको थोड़े बेटर कॉलेजेस मिल गए होंगे, जो स्टेट के कॉलेजेस छोड़ देंगे, तो वो सारी सीट आएगी. तो सम व्हाट जो सीट मैट्रिक्स होगा वो लास्ट ईयर जैसा ही पहुंचेगा, 140-145 सीट तक अपना सीट मैट्रिक्स पहुंच जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर है, इतना अपना सीट मैट्रिक्स पहुंच जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर जो मॉपअप का कट ऑफ रहा था. देखो इसमें बहुत बच्चे ऐसे थे जो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप की सीट उठा लिए थे, तो वो लोग स्टेट में नहीं आए थे, डिस्पाइट उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था बट वो लोग स्टेट में नहीं आए थे. तो टोटल सीट तो देखा जाए जनरल की 52, ओबीसी की 21, ईडब्ल्यूएस की 9 आई थी, बट मॉपअप मेरिट लिस्ट के हिसाब से स्टेट रैंक 175 तक जनरल को मिला था, स्टेट रैंक 176 तक ओबीसी को मिला था, स्टेट रैंक 280 तक ईडब्ल्यूएस को मिला था. मतलब जैसे स्टेट रैंक 280 तक ईडब्ल्यूएस को मिला था. अगर ईडब्ल्यूएस की अपनी पर्टिकुलर स्टेट रैंक देखा जाए मॉपअप मेरिट लिस्ट में तो 30th रैंक पे प्लेस था वो, मतलब 30th ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट था जिसको लास्ट सीट अलॉट हुई ईडब्ल्यूएस की मॉपअप मेरिट मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर. ठीक है, 1078 स्टेट रैंक पे एससी कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, जिसकी एससी में स्टेट रैंक थी मॉपअप मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 62, मतलब 62nd कैंडिडेट था, मतलब 62th रैंक पे जो बंदा था एससी कैटेगरी में मॉपअप मेरिट लिस्ट में उसको कॉलेज मिला था लास्ट. और एसटी कैटेगरी में स्टेट रैंक 1952, ये मॉपअप मेरिट लिस्ट की स्टेट रैंक बता रहा हूँ, कोई पुरानी वाली मॉपअप मेरिट लिस्ट को ना देखना, अभी जो नई मेरिट लिस्ट आई है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है. ठीक है, उस मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसको 10th एसटी स्टेट रैंक पे मिल गया था. मतलब अगर देखा जाए तो जनरल की 175 थी, ओबीसी की 176 थी, ईडब्ल्यूएस की 280 यानी कि 30 ईडब्ल्यूएस स्टेट रैंक. ठीक है, एससी की 1078 यानी कि 62 एससी स्टेट रैंक, एसटी की 1952 यानी कि एसटी की 10th स्टेट रैंक. इतना क्लियर हो गया. बट इस बार 141 तो ऐसे कैंडिडेट है जिनकी 20,930 से अंदर रैंक है, और बहुत बच्चे ऐसे जो डिलीबरेटली आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही लेना चाहते हैं. तो क्या कट ऑफ इतने तक जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग इतने तक जाना पॉसिबिलिटी है अगर 139 से ज्यादा सीट आई. अगर 139 से भी कम सीट आई तो भाई थोड़ा सिक्का फंसेगा, मामला फंसेगा. और जितने ये जो बच्चे आए ना जो ऑल अलॉट करवा के आए हैं, जितने आखिरी तक बैठे हुए थे, सोचे थे हम 10,000 पे केजीएमसी उठाएंगे,
तो उनको तो पता चल गया होगा कि उनका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने अपने साथ साथ सबका सिनेरियो डिस्टर्ब किया है, एंड कब ये बंद होगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा। जैसे जेई की काउंसलिंग होती है वैसे ये नीट की काउंसलिंग क्यों नहीं हो पा रही है, मेरा मतलब ये कंसर्न है भाई। आप जैसे डिजर्विंग बच्चे सोचो, अभी देखा जाए बिहार के बच्चे, बिहार के बच्चों का भी राउंड टू का कट ऑफ भी हाई गया है। अब वो सब ऑल इंडिया कोटा स्ट्रीम में ऑक्यूपाई करेंगे सीटीआर, और फिर उनका जो बिहार का जो मॉपअप राउंड होगा उसका कट ऑफ नीचे जाएगा। बट बेचारा जो बच्चा 24,500 बैठा है, 25,000 पे बैठा है यार, वो तो रह जाएगा ना। राजस्थान से बच्चा, यूपी से बच्चा, वो तो रह जाएगा, उसको तो ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। तो क्यों नहीं ये काउंसलिंग एक सिंक्रोनाइज वे में चल रही है? क्यों एक एक बच्चे को दो दो तीन तीन स्टेट क्लेम करने दिया जा रहा है? क्यों आखिर ये सिंक्रोनी नहीं बैठ रही कि ऑल इंडिया कोटा स्टेट में बच्चा दोनों जगह लड्डू हाथ में पकड़ा हुआ है कि मेरे को यहाँ पे भी सीट चाहिए, यहाँ पे भी सीट चाहिए? क्यों आखिर ये नाइंसाफी हो रही है यार? क्यों नहीं ये जो शुरुआत के बच्चे, उनको क्यों आखिरी मॉपअप में ही मौका मिलता है? इनको शुरुआत से ऐड करो, जैसे वो यूपी स्टेट सेलेक्ट करे तुरंत उनको मेरिट लिस्ट में डालो, ताकि ये इनकी लालच खत्म हो जाए। जितने काउंसलर्स हैं 25,000-30,000 ले रहे हैं आपसे, 10,000 रैंक ला के आप बोलो कि केजीएमसी दिलवा देंगे, लास्ट ईयर मिला था। क्यों ये चीज नहीं बंद हो रही है? और ये मेरे अलावा कोई नहीं आवाज उठाएगा भाई, क्योंकि मैं ही इकलौता एक ऐसा बंदा हूं। पूरे यूट्यूब पे आप देख लो, जितने भी आप मेरे फेलो यूट्यूब काउंसलर्स हैं, कोई भी आपको फ्री में आपकी हेल्प कर रहा हूं मेरे को बता देना ना। आपके वीडियो में प्लान ए प्लान बी प्लान सी गिनाते हो तो बताना मेरे को। पूरी काउंसलिंग खत्म होगी, अगर आप मेरा चैनल शुरू से फॉलो करोगे तो आपने देखा होगा, एक बार भी आपसे एक रुपए की भी डिमांड नहीं की कभी। और आपने जब भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया होगा, टेलीग्राम पे मैसेज किया, आपको जेन्युइन क्वेरी का आपको रिप्लाई भी मिला होगा। इवन मैंने कुछ बच्चों से कॉल तक पे बात की है जो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसा नहीं है यार। तो ये पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काउंसलर्स, पेड काउंसलर्स, जो एक आपको फेक एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको इतनी रैंक पे नेम, आपको बहुत बेटर कॉलेज दिला देंगे। सिंपल सी बात है भाई, केजीएमसी चाहिए थी तो ऑल इंडिया रैंक 2,500 के अंदर लानी चाहिए थी। अगर नहीं आई तो मत उम्मीद करो ना, बट तुम लोग एक काउंसलर को पैसा दे के उम्मीद कर लेते हो। तो ये जब तक ये काउंसलिंग में सिंक्रनी नहीं आएगी, तब तक भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी, और ये आवाज कोई नहीं उठाएगा क्योंकि सबकी पॉकेट्स भर रही है, ठीक है ना। आप परेशान, जितना आप परेशान होंगे उतनी उन लोगों की पॉकेट्स भरेगी, ठीक है। खैर चलो, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था मेरे को इस वीडियो में, बट मेरे को गुस्सा आ रही है। वो डिजर्विंग बच्चे जो 22,000-23,000 रैंक पे बच्चे बैठे हैं, क्या उनको यूपी मॉपअप में उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको सीट वो डिजर्व नहीं करते हैं? बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये 141 नए कैंडिडेट्स आ गए, इनकी वजह से पूरी चीज डिस्टर्ब हो रही है। अगर ये शुरुआत से सिंक्रनी चले तो ऐसी दिक्कत ही ना हो। बिहार की काउंसलिंग इतनी लेट चल रही है ना, वहां पे कोई मेरिट लिस्ट आ रही है ना, वहां पे कोई आपकी वो आ रहा है, अलॉटमेंट आ रहा है कॉलेज वाइज या स्टेट रैंक वाइज, किसको यहां मिला इसको वहां मिला, कुछ है ही नहीं ट्रांसपेरेंसी यार पूरी काउंसलिंग उसमें फोरम में। तो खैर चलो, एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना। और अभी मॉपअप जो भी दिक्कत आ रही हो, जो भी दिक्कत आ रही हो, मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करो, कोई और क्वेरी बच रही हो यहाँ कमेंट कर दो, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान मत हो, उम्मीद बिल्कुल लगाए बैठे रहो मॉपअप से, मॉपअप में बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, अपना बेस्ट ट्राई करो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी था आपने कर दिया है, अब अपनी चॉइस फिलिंग कर देना। जिसको बिल्कुल लग रहा है कुछ नहीं उम्मीद है तो भी सारे कॉलेज भर देना, ठीक है, ताकि इन केस अगर आप तक कट ऑफ जाती है तो आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। एंड आई जस्ट प्रे की कट ऑफ नीचे जाए, जो मैं बार बार बोलता हूँ मैं गलत हूँ, और कट ऑफ नीचे जाए, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम नॉट फ्रॉम यू बट फ्रॉम गॉड, कैसा हो यार। क्योंकि मैं जानता हूँ एक बच्चा जो मेहनत से रुक जाता है 2-4 नंबर से, उसको कैसा लगता है। खैर चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया, कंटेंट तो शायद इसमें शुरुआत के 4-5 मिनट का ही था, बाकी तो गुस्सा मेरा निकल गया, वो भी आप लोग के ऊपर भी नहीं था। खैर चलो, एनीवेज सो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी है मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।